अस्सलाम वालेकुम। ऐसे मुनासिब की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, पेश खिदमत है गज़ल, और इस गज़ल के खालिक है फहीम अख्तर लंदन, और ये गज़ल आज ही शाये हुई है फेसबुक पे। मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उनकी ये गज़ल यकीनन पसंद आएगी। तो पेश खिदमत है उनकी ये नई गज़ल। अब मेरा कोई यहाँ गम गुसार भी नहीं, अब मेरा कोई यहाँ गम गुसार भी नहीं, जिंदगी पे मुझको अब एतबार भी नहीं, जिंदगी पे मुझको अब एतबार भी नहीं। अपने आँचलों को तुम रखना अब समेट कर, अपने आँचलों को तुम रखना अब समेट कर, इन हवाओं का कोई एतबार भी नहीं, इन हवाओं का कोई एतबार भी नहीं। भीड़ में मुझे कोई कैसे जान पाएगा, भीड़ में मुझे कोई कैसे जान पाएगा, इस जहां में आदमी का शुमार भी नहीं। इसकी लगाई जाती बोलियां जो इस तरह, इसकी लगाई जाए बोलियां जो इस तरह, इश्क है यह अब कारोबार भी नहीं। इसकी लगाई जाए बोलियां जो इस तरह, इश्क है यह अब कारोबार भी नहीं। अपनी किस्मतों को क्यों रोके कोसते हो तुम, अपनी किस्मतों को क्यों रोके कोसते हो तुम, अपनी किस्मतों को क्यों रोके कोसते हो तुम, मुझको देखो मैं गरीब बेकरार भी नहीं, मुझको देखो मैं गरीब बेकरार भी नहीं। जश्न किस तरह मनाऊं साले नौ का मैं फहीम, जश्न किस तरह मनाऊं साले नौ का मैं फहीम, अब तो अहद नौ का मुझको इंतज़ार भी नहीं, अब तो अहद नौ का मुझको इंतज़ार भी नहीं। तो दोस्तों, अभी आप ऐसे मुनासिब की अदबी दुनिया में अपने पसंदीदा शायर फहीम अख्तर साहब की एक गज़ल सुन रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उनकी यह गज़ल यकीनन पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलते हैं आपके इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एस एम राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफिज़।